शिल्पी, किस प्रकार का नजारा, किस प्रकार का उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। देखिए, माँ गंगा जीवनदायिनी है और माँ गंगा मोक्षदायिनी भी है, यानी कि दोनों एक साथ जो माँ संभव कर दिखाती हैं वो माँ गंगा है। और मैं इस समय बहुत ही खास जगह पर हूँ। आमतौर पर काशी और प्रयागराज में हम लोग देखते हैं माँ गंगा को, दर्शन करते हैं। मैं इस वक्त बिठूर में हूँ। मैं आपको बिठूर के बारे में अगर बताऊँ तो जितना धार्मिक आध्यात्मिक महत्व बिठूर का है उतना ही ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है। और आज़ादी के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो भी बिठूर उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दृश्य आप देखिए कि माँ गंगा के पावन घाट पर, यहाँ पर इस समय हम लोग रानी लक्ष्मीबाई घाट पर हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं लोग, माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं। और स्नान के साथ ही, जैसा कहा जाता है ना कि गंगा दशहरे पर दान पुण्य की भी बहुत ज्यादा महिमा है, बहुत ज्यादा महत्व है, तो लोग यहाँ पर दान पुण्य भी कर रहे हैं। मेला लगा हुआ है क्योंकि दशहरा मेला आमतौर पर माना ही जाता है कि उसमें सबसे ज्यादा रौनक होती है। और गंगा के तट पर अगर ये मेला हो तो कहने ही क्या। यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कक्ष बने हैं, बुर्ज बने हैं, वहां पर कई महादेव की ऐसी विग्रह है, महादेव शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं, कहीं मूर्ति रूप में है, प्रतिमा रूप में जो पार्वती जी के साथ विराजमान है। यानी महादेव से गंगा का जो संबंध है वो तो कहा ही जाता है कि अगर आप गंगा का पूजन अलग से करें और अगर महादेव के साथ करें तो उससे कहीं ज्यादा पुण्य मिलता है। लेकिन इसका एक जो यहाँ पर बिठूर में मुझे महत्व देखने को मिला वो ये कि राष्ट्रवाद से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजादी के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है। और जैसा नाना साहब के लोग चर्चा यहाँ पर आते ही करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सामने ये जो दृश्य नजर आ रहा है ये भी आप थोड़ा अगर एलेबोरेट कर दें, किस प्रकार की लोक कला देखने को मिल रही है, किस प्रकार का पूजा अर्चना भी देखने को मिल रही है। शिल्पी, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, आप एक बार फिर से चलते हैं आचार्य जेपी सिंह जी के पास। आपसे एक बहुत ही साधारण प्रश्न जो हर हिंदुस्तानी के मन में रहता है कि देखिए, तुलसी की पवित्रता की अगर हम बात करें, ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट तुलसी की पवित्रता का हम ख्याल रखकर स्नान कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। देखिए, तुलसी की जो कथा है और ये तुलसी की जो यहाँ संयोग बनता है खास तौर पे गंगा पूजन में, खास तौर पे क्योंकि श्री हरि को तुलसी अर्पित की जाती है, उन्हें बहुत प्रिय है क्योंकि उन्होंने वरदान दिया वृंदा को, जो जलंधर की पत्नी थी और जलंधर के वध के बाद उन्होंने, जो मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पाषाण के हो जाएं, और वो पाषाण के हो भी गए और वो सालेग्राम बन गए। अब ऐसी मान्यता कही जाती है कि जब उनको श्राप मुक्त करने की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में क्या उद्वेग है और किस कारण से आपने ये श्राप दिया, पर मैं सहज इसको स्वीकार करता हूं। और उसके बाद उन्हें ये वरदान भी दे दिया कि आज के बाद आप मुझे जो प्रसन्न करना चाहेगा वो मुझ पर तुलसी पात्र चढ़ाएगा, और तुलसी पात्र को उतना ही पवित्र माना जाता है जितना माँ गंगा को माना जाता है। क्योंकि हमारे पूजन में आप कहीं भी देख लीजिए, कलश स्थापना जब भी होती है तो उसमें गंगा जल अर्पित किया जाता है, तुलसी पात्र किया जाता है, कहीं पे भी पंचामृत बनाया जाता है तो उसमें गंगा जल जरूर डाला जाता है, तुलसी पात्र जरूर डाला जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि दोनों शुद्धिकरण है। और साथ में ही एक चीज और जोड़ दूं इसके, अगर आयुर्वेद के आधार पर भी देखें तो दोनों में ही इतने औषधीय गुण हैं कि जो चिकित्सा में भी काम आते हैं। आप तुलसी को देख लीजिए कितने औषधीय गुण हैं, सब जानते हैं, माताएं बहनें अपने रसोई में चाय में डालती हैं, कभी किसी दवाइयों में डालती हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तुलसी के कितने फायदे हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पूजा में उसका खास विशेष महत्व होता है। कृष्णा जी, आपसे मैं थोड़ा सा जल्दी से समझना चाहूंगी कि दान क्या क्या करें, दस दस संख्या में तो करें लेकिन क्या क्या करें। दस में आपने अगर दान करना है तो दस तो दीप दान कर सकते हैं, दस में आप गेहूं दान कर सकते हैं, जौ दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। चावल और चीनी का एक संयोग, एक चीज और मैं बता दूं कि कर्क राशि में शुक्र का आना धन योग बनाता है जी। और रवि रवि सिद्धि योग आ रहा है, महा सिद्धि योग बहुत ज्यादा रवि योग बन रहा है, ये दोनों के जो जो तीन योग जो बन रहे हैं ये आपको और भी ज्यादा फल प्राप्त कराते हैं, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ में आप दस फल दे सकते हैं। दस फल कौन से? जो मौसमी है, जैसे कि आम हो गया, खरबूजे हो गए, तरबूज हो गया, ये सारी चीजें आप दस की संख्या में दे सकते हैं। आप दस की संख्या में अलग अलग, जैसे कि जूते हो गए, छाता हो गया, ये भी दे सकते हैं, गर्मी का मौसम।